चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम एटम्स किया था, एटम्स के अंदर, एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर हमने ये सारा चीज़ें की थी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और ये सब कुछ चीज़ें किया। उसके बाद जो आज हमने करना है, हमने लास्ट टाइम बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस भी कर लिया था। व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी क्या थी कि वो एनर्जी जिससे कि हमने न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा हुआ है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी के अंदर आपको एक चीज बड़े ध्यान से देखनी है इसमें, कि लास्ट टाइम जब हमने बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था तो ऐसे किया था कि लेट अस सपोज कुछ प्रोटॉन्स हैं, लेट अस सपोज कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, और मिलके ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है यहां तक? और मैंने कहा था कि इसका मास और इसका मास मिलके ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा, तो हम ऐसे केस में क्या निकालते थे? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कैसे निकलता था? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स में से मास ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या कर देते थे? माइनस। और फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी? डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? यही केस था। इसके अंदर भी एग्जैक्टली यही करने वाले हैं हम, न्यूक्लियस बनाने वाले हैं। और जब मैं बोल रहा हूं मैं न्यूक्लियस बनाना चाहता हूं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? मास ऑफ प्रोटोन, तो कितने प्रोटोन्स हैं? जेड प्रोटोन्स हैं। तो एक एटम के अंदर जेड प्रोटोन्स होते हैं, जेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जेड प्रोटोन्स हैं। एक प्रोटोन का मास कितना है? एमपी। तो टोटल प्रोटोन्स का मास कितना है? जेड इंटू एमपी। और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? ए माइनस जेड, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इतने न्यूट्रॉन्स हैं, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? एमएन। तो टोटल मास कितना है? मल्टीप्लाई कर दिया। में से क्या माइनस करेंगे? न्यूक्लियस का मास। न्यूक्लियस का मास कितना है? एम ऑफ कैपिटल एन। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है यहां तक? अब इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी क्या है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू पूरी की पूरी इंटू सी स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन किसका आ गया? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। क्या बनाया? न्यूक्लियस बनाया। कोई डाउट इसमें? ये एटॉमिक मास नंबर। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस समझ में आ गई। अब इसको कुछ बुक्स मॉडिफाई करती हैं, वो मॉडिफिकेशन क्या है इसको एक बार देखो। अब सपोज करो जैसे न्यूक्लियस बनाया था, मान लो एक मिनट के लिए, अब मैं क्या बनाना चाहता हूं? एटम। एटम बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे और एक न्यूक्लियस चाहिए होगा। न्यूक्लियस के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऐसे केस में इनको अगर पैक करेंगे तो क्या बनेगा? एटम बनेगा, एटम बनेगा। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मास और न्यूक्लियस का मास बड़ा होगा, लेकिन जब एटम बनेगा तो एटम का मास थोड़ा कम हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिपेल करेंगे, और इनको बांधने के लिए एनर्जी चाहिए होगी जिसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगी जो इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखे। ठीक है यहां तक? अब इसमें जो मास डिफेक्ट होगा वो क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस में से क्या माइनस करेंगे? मास ऑफ एटम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ न्यूक्लियस में से मास ऑफ एटम। कोई डाउट इसमें? ठीक। और बाइंडिंग एनर्जी इस बार किसकी निकलेगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की निकलेगी, जो कि क्या होगा? डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस में से क्या माइनस करेंगे? मास ऑफ एटम। ठीक, इंटू सी का स्क्वायर। सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सी स्क्वायर इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ एटम। या मास ऑफ एटम को इस तरफ, बाइंडिंग एनर्जी को इस तरफ, तो मेरे पास आएगा मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ एन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सी का
स्क्वायर, तो ये टर्म आ गई। मैं किसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एटम को। तो मैंने किसकी बाइंडिंग एनर्जी कंसिडर की, इलेक्ट्रॉन्स की, सही। इस स्टेटमेंट को देखो शॉर्टकट में कैसे लिखा हुआ है। ये मैंने क्या लिखा, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम एक्स, नहीं भी लिखोगे एक्स तो अंडरस्टूड है एक्स कोई एटम होगा जिसका एटॉमिक मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड है। मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस है, एक्स का न्यूक्लियस, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जेड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मास कितना हो गया, जेड इंटू एम ई माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जेड। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड इलेक्ट्रॉन बाय सी स्क्वायर, कोई डाउट इसमें। तो फॉर्मूला समझ में आया, कैसे आया, ठीक। और अगर ये एटम किसका होता, हाइड्रोजन का होता, तो हाइड्रोजन का एटम, ये देखो इसी को देखते हुए, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटोन, तो मास ऑफ प्रोटोन यानी कि न्यूक्लियस का मास एक प्रोटोन का मास, प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय सी स्क्वायर। एटम ऑफ हाइड्रोजन के एटम के लिए भी सेम इक्वेशन लिख दी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी चल रही है, एटम की। हमने किसकी निकालनी थी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की तो हमने निकाल रखी है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको कंसिडर भी करते हो तो फायदा नहीं होगा इस स्टेप का, क्यों, क्योंकि C बहुत बड़ा होता है, 3 × 10⁸, और इसका होल स्क्वायर इज वेरी वेरी लार्ज, 10⁶। तो ये टर्म इतनी छोटी आने वाली है कि दिस कैन बी निगलेक्टेड। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने का कोई फायदा है ही नहीं, तो इन दोनों टर्म्स को छोड़ देते हैं। तो ये टर्म्स आपके पास 5 और 6 इक्वेशन रिड्यूस होके ये बन जाती हैं 7 और 8। बाइंडिंग एनर्जी पीछे छोड़ दिया तो ये बच गया। अब बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की हमने क्या निकाली, थोड़ी देर पहले ये निकाली थी, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की ये निकाली थी, मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी थी, एक्चुअल में तो मुझे न्यूक्लियस की ही निकालनी थी। इसके अंदर जेड इंटू एम ई को ऐड कर देंगे और जेड इंटू एम ई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर मैं इस टर्म को जेड इंटू एम ई से ऐड कर दूंगा और जेड इंटू एम ई से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। इसके अंदर मॉडिफिकेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से और इसमें से जेड कॉमन आ गया, ये बच गया, ए माइनस जेड वाली टर्म एज इट इज आ गई, ये टर्म और ये टर्म ऐसे माइनस कॉमन आ गया तो ये टर्म आ गई, तो आपके पास ये टर्म बच गई। अभी थोड़ी देर पहले जब एटम बना रहे थे तो हमें पता है मास ऑफ प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स का मास मिलके क्या देते हैं, मास ऑफ एक्स एटम। तो ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ गई किसकी, किसी भी न्यूक्लियस की मॉडिफाइड। मैं ये बोल रहा हूं कि बीच के स्टेप्स करने का फायदा नहीं हुआ हमें। देखो मैं फिर से वापस रिपीट करता हूं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस हमने निकाल ली थी शुरू में। अब मैं ये बता रहा हूं कि अगर बाई चांस, वैसे एक्सप्रेशन आता नहीं है पर अगर आ जाए और आप बीच में भूल जाओगे क्या करना है, तो एक शॉर्टकट बताता हूं। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस लिखो, लिख लिया, इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन लेने का फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि इन द एंड तो उसको निगलेक्ट ही कर दिया। सीधा इस लाइन के बाद लिख दो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, सीधा जेड इंटू एम ई, बीच वाले सारे स्टेप्स नहीं चाहिए, एड और सब्ट्रैक्ट किया, एड सब्ट्रैक्ट करके सीधा ये इक्वेशन तो लिखी जा सकती है कॉमन निकाल के। अब आपको अपनी नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री से मालूम है कि प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन का मास मिलकर मास ऑफ हाइड्रोजन देगा, और यह भी आपकी केमिस्ट्री से पता है कि अगर एक न्यूक्लियस का मास और साथ में इलेक्ट्रॉन का मास होगा तो कोई भी एक्स एटम का मास हो जाएगा, तो सीधे आंसर आ गया, बीच के स्टेप्स करने के फायदा ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है यहां तक, बट बुक्स में क्या लिखा हुआ एटलीस्ट अब आपको वो कैलकुलेशन समझ में आएंगी वो क्या बोलती है, कोई डाउट इसमें, हाँ जी समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। इससे ज्यादा जरूरी ये ग्राफ है, पेपर में मोस्ट प्रोबेबली ये ग्राफ बहुत बार आता है फाइनल एग्जाम में और दिसंबर एग्जाम में भी, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ एटॉमिक मास नंबर के साथ प्लॉट करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, वर्ड इंपॉर्टेंट है,
कभी भी अकेली बाइंडिंग एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी का पता नहीं लगता। अब ये स्टेबिलिटी वर्ड बीच में कैसे आ रहा है? यूरेनियम अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स हैं, और उसको बांधने की रखने की एनर्जी जो चाहिए, वो रिक्वायर्ड जो चाहिए, वो उतनी होती नहीं उसके पास। तो इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल होकर बाहर भाग सकते हैं और एक स्टेबल न्यूक्लियस बना सकते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास दो एटम्स हैं और एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी 2 है, एक एटम की बाइंड या एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 2 और एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 200 है, तो 200 वाले के पास बांध के रखने की एनर्जी ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? 200 वाला बोल नहीं सकते, क्योंकि मान लो इस क्लासरूम में, ये क्लासरूम नहीं है, मान लो ये न्यूक्लियस है, आप स्टूडेंट्स बैठे हो मान लो 35, अगर इसी और मान लो मैं आपको बांध के रखता हूं और बाइंडिंग एनर्जी जो आपको बांध के रखने की एनर्जी 100 है, लेकिन अगर आप मान लो कल को 200 स्टूडेंट यहां पर एंटर कर देते हो और मुझको एनर्जी 100 ही देते हो, तो पर स्टूडेंट बांधने की एनर्जी तो कम हो गई ना। 35 स्टूडेंट को बांधना आसान हो गया मेरे लिए 100 एनर्जी के साथ, और 200 के लिए मुश्किल हो गया। तो अब 200 वाली क्लास की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ स्टूडेंट बाहर भाग जाएंगे और मैं रोक नहीं पाऊंगा, यानी कि वो अनस्टेबल हो गया। इसीलिए सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी को देखते हुए बताया नहीं जा सकता कि स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट किया जाएगा। एक न्यूक्लियॉन को बांध के रखने की एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है? तो यह समझ में आ रहा है कि ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का एटॉमिक मास नंबर से क्यों बनता है। दूसरी चीज, ये ग्राफ आपने याद रखना है, ग्राफ प्लॉट करने को आता है, सारे एलिमेंट तो याद नहीं किए जा सकते, मेन मेन याद करो, पहले 2 कर लो, पहले 3 कर लो और एक यूरेनियम जरूर याद कर लो, बीच का कोई चक्कर नहीं, वेरिएशन ऐसे पता होना चाहिए, नीचे की तरफ जाता है। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जिनका लोअर एटॉमिक मास नंबर है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफ़ी कम है, और जिनका हायर मास नंबर है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफ़ी कम है। जितना मास नंबर बढ़ता जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती जाएगी। ठीक है यहां तक? इससे क्या फायदा हुआ? तो अगर ग्राफ प्लॉट करने को आए तो ग्राफ बना लोगे। दूसरा, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। कर्व के साथ वो बताएगा कि बताओ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर आपने ये डिस्कस करना है कि जो यूरेनियम जैसे एटम्स हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम है, और जबकि उनके न्यूक्लियॉन्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो उनको बांध के रखना आसान नहीं है, तो भाग जाएंगे न्यूक्लियॉन्स, रिपेल हो जाएंगे और वो अनस्टेबल होगा। तो सबको पता है कि यूरेनियम अनस्टेबल है, और यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्योंकि कम है, तो यूरेनियम स्टेबल होना चाहता है, जिसके लिए वो अपने न्यूक्लियस को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर सकता है ताकि वो स्टेबल न्यूक्लियस बन जाए। और जब यूरेनियम अपने दो हिस्से बना ले, तो ऐसे केस में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिशन। तो एनर्जी बहुत सारी रिलीज हो जाती है, इस प्रोसेस को फिजन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन यूरेनियम में इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये फिजन को डिफाइन कर सकती है कि फिजन यूरेनियम में क्यों होता है। तो इसमें डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एट हाई मास नंबर टेल्स दैट न्यूक्लियॉन्स आर मोर टाइटली बाउंड एंड व्हेन दे आर असेंबल्ड इनटू 2 मिडल मास न्यूक्लियाई। वो कह रहा है कि जो यूरेनियम जैसे जो एटम्स हैं जिनकी मास नंबर बहुत ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम है, तो वो जब 2 स्टेबल न्यूक्लियाई में बन जाते हैं तो, या 2 छोटे न्यूक्लियाई में बन जाते हैं, तो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि न्यूक्लियर फिजन को डिफाइन कर रहे हो, कि न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन किया जा सकता है उन एटम्स के लिए जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम है, उसमें फिजन करना बड़ा आसान है क्योंकि उनको तोड़ना बड़ा आसान है। और वैसे ही जो छोटे एटम्स हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन छोटी है, मास नंबर हाइड्रोजन जैसे एटम, उनकी भी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन छोटी है, पर उसके न्यूक्लियस के अंदर तो ऑलरेडी 1 प्रोटोन है, तोड़ के क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं, वो तो एक ही प्रोटोन लेके घूम रहे हैं। तो इनको तोड़ा नहीं, न्यूक्लियस
इनके भी अनस्टेबल हैं क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, तो इनको तोड़ के तो कुछ निकलेगा नहीं, पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को जोड़ के ये स्टेबल बन जाएंगे और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो छोटे एटम्स जिनकी एटॉमिक मास नंबर छोटा है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन छोटी है, जिससे कि फ्यूजन पॉसिबल है, एनर्जी कैन बी रिलीज्ड। और हायर एटॉमिक मास नंबर की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन छोटी है तो फ्यूजन कैन बी डन। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि फिजन और फ्यूजन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट टाइम आपका शॉर्ट टेस्ट है सब्जेक्टिव, जो आज क्लास में होगा पूरा थ्योरी, और जो भी क्लास में होगा उसमें से 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक? तो साथ साथ टेस्ट चलेंगे। नेक्स्ट है एनसीईआरटी लेवल होगा। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, शायद केमिस्ट्री में आप लोगों ने सुनी हो पैकिंग फ्रैक्शन, स्टेबिलिटी बताती है कितना स्टेबल है कितना नहीं। तो पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मास एक्सेस पर न्यूक्लियॉन। तो अगर आप किसी भी एटम को